नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों से। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है, तिरंगे का सम्मान हर हमेशा होना चाहिए। यह बातें शुक्रवार को विस्थापित नेता काशीनाथ केवट ने कही थी। आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए चलकरी से आहूत तिरंगा यात्रा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के एक एक नागरिकों के लिए तिरंगा बेहद महत्वपूर्ण और गौरव का विषय है। उन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप पर चर्चा करते हुए कहा कि 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान इस तिरंगे को अपनाया गया था और इसे 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के बीच भारत में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। उन्होंने आह्वान किया कि तिरंगे की आन बान शान की हिफाजत के लिए सभी लोगों को दलगत भावना से ऊपर उठकर एकजुट होकर मनोहर लायक अमृत महोत्सव और तिरंगा यात्रा के महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। मनीरुद्दीन अंसारी और भरत कुमार मंडल ने कहा कि हर घर तिरंगा फहराना है। मौके पर हैदर अंसारी, राशिद वीरेंद्र करवाली, दिलीप ठाकुर, कृति रविदास, मोहम्मद समीर अंसारी, खूबलाल केवट समेत सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।